हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे रिवर बेसिन या नदी बेसिन। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा क्योंकि 6th to 10th की ज्योग्राफी में बहुत बार ये टर्म्स आती है, रिवर बेसिन क्या है या नदी बेसिन क्या है। ओके, तो सुनिए जरा, जनरली होता क्या है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, और हम एग्जाम्पल भी लेंगे अमेजन रिवर का। उसके पीछे क्या रीज़न है ये मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है क्योंकि, ठीक है। तो ये हमारी अमेजन रिवर है, ठीक है, अमेजन रिवर। आप लोगों को पता होगा अमेजन रिवर जो है वो हमारी वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर है, अमेजन रिवर। और ये कौन सी कॉन्टिनेंट में आती है, ये आती है साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका। ओके, तो अमेजन रिवर जो है, हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, आप कोई भी रिवर मानिए, पर मैंने इसका एग्जांपल लिया, उसके पीछे एक रीजन है। अब अमेजन रिवर ये क्या है, इट्स अ मेन रिवर, ठीक है। तो होता क्या है, इस रिवर में कई बार, जैसे एक मेन रिवर है पर उसमें बहुत सी ट्रिब्यूटरीज जो रिवर होती हैं उसकी, वो या कहीं से बारिश का पानी आ रहा है मानसून के सीजन में, या जो झरने होते हैं कई बार माउंटेन से निकल के आते हैं, आप लोगों ने देखा है, या बर्फ का पानी, स्नो अगर कहीं पर मेल्ट हो रही है वो पानी कहीं पर भी आ रहा है, तो पानी की एक क्वालिटी होती है, क्या पानी हमेशा ढलान पर आएगा, ठीक है। पानी जो है हमेशा नीचे की तरफ आएगा, ऊंचाई पे नहीं जाएगा, पानी हमेशा नीचे आता है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। तो नदी भी जो होती है ना, जनरली देखिए हमारी मोस्टली नदियां कहाँ से निकलती है, माउंटेन से, ठीक है। लाइक गंगा है, वो निकलती है हमारी गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड, यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर वो भी उत्तराखंड। तो ये क्या है, सबके सब ये रिवर्स जब माउंटेन से निकलती है तो आती कहाँ पे, नीचे ही आती है, प्लेन एरिया में एंटर करती है उसके बाद। तो ये कोई भी ट्रिब्यूटरी, ठीक है, कोई भी ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी होता है सहायक नदियां, सहायक यानी कि एक मेन रिवर में जो भी छोटी मोटी रिवर्स आके मिलती हैं वो होती हैं उसकी ट्रिब्यूटरीज रिवर, ठीक है। तो ट्रिब्यूटरी हो गया, साथ में मैंने आपको कहा कि रेन वाटर और स्नो अगर कहीं से मेल्ट हो रही है वो वाला वाटर, स्नो मेल्टिंग। और ये क्या करेंगे, ये ना आके कहीं ना कहीं से, या तो जैसे रेन वाटर है या स्नो मेल्टिंग है, ढलान कहीं से तो आएगा, बहेगा, और ये लोग आके कहां मिल जाएंगे, इस मेन रिवर में, या फिर ये लोग ट्रिब्यूटरी में मिल रहे हैं, मान लीजिए कि जो छोटी नदी में, और ये ट्रिब्यूटरी आके कहां मिल रही है, मेन रिवर, क्योंकि जितनी भी ट्रिब्यूटरीज होती है वो आके मिलती मेन रिवर में ही है, और मेन रिवर कहां पे मिल जाती है, जाके किसी ओशियन, ठीक है। ओके, तो ये, या फिर आप सपोज कीजिए कोई बड़ा नाला है, कई बार क्या होता है जो पहाड़ों का या वैसे पानी होता है, कुछ बहुत बड़े बड़े नाले, कुछ ड्रेनेज कुछ होते हैं जहां से वो पानी आता है, और बहुत से हमारे यहाँ पे नाले हैं, इवन अपने गंगा में भी, क्यों रिवर का जो वाटर है पॉल्यूटेड होता जा रहा है, वो इसी वजह से पॉल्यूटेड होता जा रहा है क्योंकि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम फॉलो नहीं होता है, और कुछ नाले वाले हैं जो आके इस रिवर में मिल जाते हैं और इस पानी को क्या कर देते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ नाले भी आके मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब है ये, और इसकी फॉर्म कैसी होती है, जैसे आपने एक लीफ देखा है पत्ता, सेम वैसे ही से होती है। जैसे सपोज कीजिए एक लीफ बनाई, और जनरली क्या होता है, ये एक मेन इसका वो होता है, और इसके साथ में ऐसे 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 ये निशान आप लोगों ने ये देखे होंगे, ठीक है। तो इसको मानो ये मेन रिवर है, और ये इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज, और जो भी इसके सहायक है, कुछ नाले, कुछ माउंटेन का पानी, कहीं से भी जो पानी आ रहा है, तो ये सारा का सारा जब आके किसी मेन रिवर में मिलता है ना, वो जो एरिया होता है जहां पे ये सारा का सारा मिलता है, ये वाला जो एरिया होता है, चाहे कोई यहां से नीचे से, कोई यहां से वेस्ट से, कोई ईस्ट से, मेन रिवर में जहां जहां से भी कुछ चीजें आकर मिलती हैं, तो ये जो एरिया एक फॉर्म होता है, ये होता है रिवर बेसिन, ये होता है रिवर बेसिन, नदी बेसिन, एक एरिया जहां पर ये ट्रिब्यूटरीज, रेन वाटर, स्नो मेल्टिंग वाटर, या कुछ गुलीज यानी कि कुछ बरसाती नाले, उनका पानी आके जब एक मेन रिवर में मिलता है तो वो होता है हमारा रिवर बेसिन। ओके, अब मैंने कहा था अमेजन रिवर क्यों मैंने ये लिया, फ्रेंड्स, अमेजन रिवर हमारी वर्ल्ड की एक तो सबसे लार्जेस्ट रिवर है, और जितनी भी बड़ी नदियां हैं वो सारी की सारी नदी बेसिन बनाएंगे, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ ट्रिब्यूटरीज आके मिलेगी, जैसे अपने इंडिया में गंगा में मिलती हैं,
पर ये जो अमेजन रिवर है ना, इसका जो बेसिन है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर बेसिन जो है वो अमेजन रिवर के थ्रू बनाया जाता है, इसलिए मैंने कहा था कि ये इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है कि विच रिवर फॉर्म द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर बेसिन, तो आंसर इज अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका। ठीक है, अमेजन रिवर वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर बेसिन बनाती है। जितनी भी हमारी साउथ अमेरिका के, तो ऑलमोस्ट एवरी रिवर जो है वो आके इसमें मर्ज हो जाती है। और जो हमारा साउथ अमेरिका है, सपोज कीजिए ये हमारे नीचे साउथ अमेरिका जो है, इसमें जो है हमारी अमेजन रिवर, ये भी आपके ऊपर ही आते हैं यहाँ पे नॉर्थ में। तो जितनी भी रिवर्स हैं ये तो मिलती ही है वहां पे साथ में। तो एक तो बड़ी रिवर हो गया, वहां की सारी रिवर मिल रही है, उस वजह से ये क्या बन जाता है, हमारा रिवर बेसिन। आप लोगों को वीडियो, अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, और वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।